हेलो स्टूडेंट्स, वारंट टू में हम लोग पढ़ रहे हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। इससे जस्ट पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ा, जिसमें मैंने HBr की HCl की रिएक्शंस आपको एल्कीन एल्काइन पर पढ़ाई थी। ये वारंट टू का फोर्थ पार्ट और आखिरी पार्ट है, जिसका नेम है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन मेनली HBr का फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पूछा जाता है, क्योंकि हम लोगों के सिलेबस में एनसीईआरटी में HBr की ही रिएक्शन परऑक्साइड के प्रेजेंस में जो है वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का वही एग्जांपल दिया हुआ है। पर उसके अलावा भी मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा। पहले आप लिख लीजिए, ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स और एल्काइन्स एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन टेक प्लेस of HBr in presence of peroxides or sulfate। क्या मतलब हुआ कि हम लोगों ने एल्कीन और एल्काइन पर मार्कोनिक ऑफ एडिशन पढ़ा था। मार्कोनिक ऑफ एडिशन आपको याद है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन में पॉजिटिव पार्ट मल्टीपल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ता है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, और नेगेटिव पार्ट कार्बन के डबल बॉन्ड के या मल्टीपल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं। ये तो मार्कोनिक ऑफ रूल था। अब एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल जस्ट इसका रिवर्स है। इसका मतलब इसमें HBr का जो एडिशन होगा उसमें HBr का जो पॉजिटिव पार्ट H है ना, वो तो उस कार्बन पर जाके जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, और Br उस कार्बन पे डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाके जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। जस्ट रिवर्स है। ये एक फ्री रेडिकल पाथ से रिएक्शन होती है, इसे हम लोग फ्री रेडिकल एडिशन या फिर परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, या फिर खेरास इफेक्ट भी कहते हैं। इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है? परऑक्साइड इफेक्ट कहा जाता है, या फिर इसे खेरास इफेक्ट भी कहा जाता है। खराश इफेक्ट ऐसे कुछ होता है। ठीक है, देखो पहले रिएक्शन समझना कि आपने ये एक एल्कीन लिया है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। यहां आप HBr की रिएक्शन करो और एक बार HBr की रिएक्शन परऑक्साइड के प्रेजेंस में कर दो, तो दोनों का प्रोडक्ट तो सेम ही है, लेकिन वास्तव में इनके रिएक्शन करने का तरीका डिफरेंट होता है। रिएक्शन करें हम तो दोनों का आपको बता ही नहीं पड़ा कि किस तरीके से रिएक्शन हुई है ना। ये रिएक्शन तो AE है, मींस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, जबकि ये SFR है। SFR मतलब हो गया फ्री रेडिकल की एडिशन रिएक्शन। SFR में AFR फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अगर आप यही रिएक्शन किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर करते तो आपको पता पड़ता दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंट है। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर आपने रिएक्शन किया है HCl की रिएक्शन किया, ठीक है। अभी HBr का भी लेंगे रिएक्शन। HCl के रिएक्शन किया तो इसमें H+ का एडिशन यहां हो जाता है, Cl का एडिशन यहां हो जाता है, तो क्या बना इससे? एक मिनट, इससे बना CH3, H का एडिशन यहां, Cl का एडिशन यहां, Cl यहां और CH3 यहां। बिल्कुल सिंपल सा, ये मार्कोनिक ऑफ एडिशन है। अगर आप इसकी रिएक्शन HBr से करा देंगे
HBR से करा दोगे तो यहां भी वही मार्कोनी का प्रोडक्ट बनता है। कॉर्नर पर तो H जुड़ गया, BR बीच में आ गया। अगर ये रिएक्शन आप HI से करा देते हैं तो ये CH3 है, यहां एक H आ गया और यहां मेरोडीन आ गया, इसमें क्या दिक्कत है। और अगर आपने ये रिएक्शन HCl या HI की रिएक्शन परऑक्साइड की वजह से करा दी, परऑक्साइड यहां H2O2 भी ले सकते हैं, R2O2 का यूज भी किया जा सकता है, ये परऑक्साइड है। याद करो मैंने फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन से बताया था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, क्लोरीनेशन में, ये परऑक्साइड फ्री रेडिकल रिएक्शंस के लिए इनिशिएटर का काम करता है, ठीक है ना। तो परऑक्साइड की वजह से करा दें अगर HCl और HI के साथ, HBr के साथ नहीं, इन दोनों के साथ, तो भी देखा गया कि इसमें मार्कोनिकोफ एडिशन ही होगा। ये भी मार्कोनिकोफ एडिशन है और ये भी मार्कोनिकोफ एडिशन का ही प्रोडक्ट है। लेकिन अगर ये ही रिएक्शन HBr के साथ की गई इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, या फिर HBr के साथ की गई इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट भी होता है, परऑक्साइड भी होता है और सनलाइट भी होता है, इनमें इन दोनों ही कंडीशन में यहां जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो एंटी मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट बनता है, ये वाला प्रोडक्ट बनता है जिसमें H उस कार्बन पे जुड़ा है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम थे और Br वहां जुड़ा है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा थे। यहां स्टार्टिंग की ये रिएक्शन, फाइव रिएक्शंस तो सभी AE रिएक्शन है। AE रिएक्शन का मतलब हुआ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और ये सभी में, इन सभी में कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट बनता है। इन सभी का जो मेजर प्रोडक्ट है वो एमपी है, एमपी इसमें मेजर है, समझ गए होंगे, एमपी मींस मार्कोनी का प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट है और रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल है ना, रीअरेंजमेंट पॉसिबल इस तरीके से कर देता हूं। बट ये जो सबसे नीचे वाला केस है इसमें एंटी मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बना है और वास्तव में ये AFR है। AFR मींस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है और इसमें कैटायन तो बन ही नहीं सकता, फ्री रेडिकली इंटरमीडिएट होगा और इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, रीअरेंजमेंट इसमें नहीं होगा, रीअरेंजमेंट नॉट रीअरेंजमेंट, ऐसे कर देता हूं शॉर्ट में, दिखाई तो दे रहा होगा आप लोगों को। तो ये ऐसा क्यों होता है उसके बारे में बात करेंगे, इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, फिर आगे रिएक्शन लिखते हैं। चलो यहां तक आप रिएक्शन लिख लीजिए, मिटा देता हूं इसमें, वीडियो पॉज कीजिए आप लोग। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लेते हैं जो HBr की रिएक्शन है। मैकेनिज्म लिखिए, मैकेनिज्म फॉर एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखिए या परऑक्साइड की वजह से जो भी है, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है। फ्री रेडिकल रिएक्शन चेन रिएक्शन होती है जो कि तीन स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट है चेन इनिशिएशन स्टेप, देन प्रोपेगेशन स्टेप, देन टर्मिनेशन स्टेप। तो फर्स्ट लिखिए इसमें चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन, इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप में आपको बताइए फ्री रेडिकल्स बनते हैं और परऑक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनना और भी ज्यादा आसान होता है क्योंकि ये बहुत कम एनर्जी और थोड़ा सा मतलब फोटोलाइसिस में इजीली बॉन्ड एसोसिएट होते हैं क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लोन पेयर्स में रिपल्शन होता है। इस कारण से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, होमोलाइटिक क्लीवेज हो गया, होमोलाइसिस हो गया, होमोलाइसिस से बना आर ओ रेडिकल। हाँ तो ये इसमें होमोलाइसिस हुआ, होमोलाइसिस का रीजन मैंने बताया आर ओ रेडिकल मींस एल्कोक्सी रेडिकल बना, रेडिकल के प्रेजेंस में दूसरे रेडिकल इजीली बनते हैं। तो आर ओ रेडिकल ने रिएक्शन किया HBr से, ठीक है, HBr से रिएक्शन किया एच रेडिकल से कंबाइंड हो गया, इसलिए बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड होमोलाइसिस होगा, एच रेडिकल Br रेडिकल, तो इस रेडिकल ने H से कॉम्बिनेशन किया और बना ROH प्लस Br रेडिकल, ठीक है। अब Br रेडिकल ने
चेन प्रोपगेशन स्टार्ट किया, रिएक्शन चेन रिएक्शन को आगे बढ़ाया, तो ये हो गया चेन प्रोपगेशन स्टेप। चेन प्रोपगेशन स्टेप, चेन प्रोपगेशन स्टेप के लिए इस एल्कीन पर बी आर रेडिकल ने अटैक किया डबल बॉन्ड पर। यहां दो पॉसिबिलिटी है, यहां बी आर रेडिकल इस जगह जुड़ जाए या इस जगह जुड़ जाए। यहां बी आर रेडिकल अगर जुड़ जाता है तो ये रेडिकल बनेगा जो कि सेकेंडरी रेडिकल है। अगर बी आर रेडिकल का कॉम्बिनेशन इस कार्बन पे होता है तो रेडिकल बनेगा ये, क्योंकि प्राइमरी कार्बन है। आप सभी को पता है कि मोर स्टेबल रेडिकल तो ये सेकेंडरी ही होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा है। नेक्स्ट आरडीएस स्टेप यही होता है इसमें। अब क्या होगा, जो ज्यादा स्टेबल है उसी का अमाउंट ज्यादा होगा, इन दोनों में इसका अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, मान लेते हैं 99% है, 90% है, तो इसी के रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहां Br है, यहां रेडिकल है, इस रेडिकल ने फिर HBr के दूसरे मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनसे रिएक्शन किया, H का कॉम्बिनेशन यहां हुआ, Br फिर से फ्री हुआ, यहां H जुड़ गया, यहां Br पहले से ही था और Br रेडिकल फ्री हुआ। Br रेडिकल फ्री हुआ और दूसरे एल्कीन के मॉलिक्यूल पे जाकर रिएक्शन करेगा, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, ये स्टेप भी चलता ही जाएगा। फिर खत्म कहां होगा, जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम पड़ने लगेगी, इनका अमाउंट कम पड़ने लगेगा, तब रेडिकल रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे और चेन टर्मिनेशन स्टेप होगा। चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप, इस चेन टर्मिनेशन स्टेप में जितने रेडिकल्स हैं वो रेडिकल्स आपस में कंबाइन होते गए। जैसे Br का रेडिकल Br से कंबाइन हो तो Br2 बन गया। अगर ये रेडिकल जो बनाया था हम लोगों ने सेकेंडरी, जिसका अमाउंट ज्यादा है उसी की रिएक्शन बताऊंगा, उसका कॉम्बिनेशन Br रेडिकल से होगा तो ये बन जाएगा। और यहां ये वाला जो रेडिकल है इसी के दो मॉलिक्यूल्स, दो मोल्स आके आपस में कंबाइन करें, दो दो रेडिकल आपस में कंबाइन करें तो इस तरह का कुछ बनना चाहिए। भाई एक रेडिकल तो ये रहा और ऐसा कैसा, ये दूसरा रेडिकल रहा, इन दोनों का बॉन्ड बन गया, ये स्ट्रक्चर भी बन सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। अब प्रोडक्ट जो बनता है वो दिखाई दे रहा है आपको, ये प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के बनने के लिए, इसके अच्छा खासा अमाउंट बनने के लिए कौन से दो स्टेप रिक्वायर्ड है, ये दोनों स्टेप। ये वाला स्टेप तो शुरुआत शुरुआत में होता है, इनिशिएट करते हैं बस रिएक्शन को, जैसे इनिशिएट हुआ रिएक्शन वापस आगे बढ़ने लगेगी। लेकिन ये स्टेप्स हजारों लाखों बार होते हैं और उससे इस प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता जाएगा। फिर तो प्रोडक्ट के बनने के लिए जो मेन रेस्पॉन्सिबल रिएक्शन है वो चेन प्रोपोगेशन स्टेप है। चेन प्रोपोगेशन स्टेप जितनी आसानी से होगी, जितना फेवरेबल होगी, प्रोडक्ट के बनने का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। फिर अब सवाल ये भी उठता है कि HBr ने ही क्यों फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन किया, HCl भी तो कर सकता था, HI भी तो कर सकता था, HF भी तो कर सकता था, लेकिन केवल HBr ही परऑक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन क्यों शो करता है, और वो दूसरे जो थे चाहे उसमें परऑक्साइड डालो चाहे परऑक्साइड मत डालो, वो सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं जिसमें कैटायन बनता है, वो फ्री रेडिकल वाले पार्ट को पसंद नहीं करते हैं। उसका रीजन ये है कि केवल HBr के लिए ही जो ये दोनों चेन प्रोपगेशन स्टेप्स हैं वो एक्सोथर्मिक है, ये दोनों के दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक है केवल और केवल HBr वाले केस के लिए। HCl में हो या HF में हो या HI में हो, ये दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक नहीं है, किसी में दोनों ही एंडोथर्मिक है, किसी में एक एक्सोथर्मिक एक एंडोथर्मिक है, इस तरह से है। हालांकि इनकी डेटास भी हैं, हम लोगों को लर्न नहीं करने होते, इसलिए मैं यहां पढ़ा भी नहीं रहा हूं, सबकी वैल्यूज हैं, सारा डिटेल में दिया होता है, लेकिन इसका आंसर केवल यह है कि HBr ही के लिए ही दोनों चेन प्रोपगेशन स्टेप्स एक्सोथर्मिक हैं,
इस कारण से केवल एच बी अभी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन शुरू करता है चारों एच एक्स में से। आप इसे नोट डाल लिख लीजिए, यही लिखवा देता हूं। देखिए आउट ऑफ फोर एच एक्स ओनली एच बी आर गिव्स, यहां छोटा हो गया थोड़ा सा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बिकॉज ओनली फॉर HBr, ओनली फॉर HBr, द टू चेन प्रोपोगेशन स्टेप, ये सेकेंड और थर्ड नंबर का टू चेन प्रोपोगेशन स्टेप्स are exothermic, इसमें डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती है। एक्सोथर्मिक हुआ तो क्या हुआ, एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज हुई है, ये जनरली थर्मोडायनेमिकली ज्यादा फेवरेबल होती है। एक्सोथर्मिक क्या लिख लीजिए, विच इज मोर थर्मोडायनेमिकली मोर फेवरेबल, थर्मोडायनेमिकली मोर फेवरेबल। ठीक, इसलिए केवल HBr ही फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस देगा। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक और एक चीज देखिए, फ्री रेडिकल तो प्लेनर होता है, प्लेनर फ्री रेडिकल पर H प्लेन से ऊपर से जुड़े या प्लेन के नीचे से जुड़े क्या फर्क पड़ता है? यहां ये अगर कोई कायरल कार्बन बना, मान लेते हैं बनता है, अभी तो नहीं है, तो उसकी फिर दोनों पॉसिबिलिटी होगी। मान लीजिए यहां जहां Br है वहां कायरल कार्बन बनता है, वहां भी उसकी दोनों पॉसिबिलिटी होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट, इसमें कहीं रीअरेंजमेंट भी नहीं होता, जनरली फ्री रेडिकल्स में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, कैटायंस में होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस में होता है, लेकिन फ्री रेडिकल्स में ये रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो उसके बारे में हम लिखते हैं, लिखो आप जल्दी से, इसमें बिठा देता हूं फिर लिखते हैं। तो लिखिए, हाँ नोट करिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, दिस रिएक्शन कौन सी रिएक्शन, एस एफ आर की रिएक्शन कर रहा हूं, सॉरी ये ए एफ आर जो रिएक्शन थी, दिस रिएक्शन इज नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ना कोई स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है ना स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, और रीअरेंजमेंट इसमें नहीं होता है, रीअरेंजमेंट या नो रीअरेंजमेंट कर देता हूं, नो रीअरेंजमेंट इन फ्री रेडिकल एडिशन। ठीक है, इसमें कोई स्टीरियो केमिस्ट्री भी नहीं होती है और ये रिएक्शन के भी नहीं होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स करें, इन एग्जांपल्स में ये वाला कंपाउंड है, ये सिस कंपाउंड है, सिस टू ब्यूटीन है, इस पर मैंने DBr की रिएक्शन करा दी, DBr की रिएक्शन की है डार्क में। ठीक है, डार्क में ये रिएक्शन होगी कौन से पाथ से, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, जिसमें कार्बो कैटायन बन के रिएक्शन होती है। तो डी कहीं भी जोड़ दो यहां, तो क्या फर्क पड़ता है, प्लेन के ऊपर से प्लेन के नीचे जैसा भी। और ये ही रिएक्शन अगर मैंने DBr के साथ में की इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये होगी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ये Fr प्रोडक्ट बनाना था इसके क्या बनेंगे। नेक्स्ट, ऐसे ही कंपाउंड में ट्रांस के लिए देता हूं सेम रिएक्शन, ट्रांस कंपाउंड के लिए क्या होगा, एग्जांपल नंबर टू,
यहां मैंने ट्रांस कंपाउंड लिया है और इस ट्रांस कंपाउंड पे सेम सिचुएशन में डीबीआर की रिएक्शन किया है, तो डीबीआर की रिएक्शन किया डार्क में, है ना, और एक बार डीबीआर की रिएक्शन किया सनलाइट की प्रेजेंस में, है ना, लाइट में या फिर परोक्साइड की प्रेजेंस में, और डीबीआर इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड R2O2, दोनों का प्रोडक्ट क्या सेम होंगे क्या डिफरेंट होंगे ये आप लोगों को बताना। चलो इनको करो, सॉल्व कीजिए इसे, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूं, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। हाँ सुनो, यहां रिएक्शन है डी और बी आर का एडिशन है, स्टीरियो स्पेसिफिक ये भी नहीं है, स्टीरियो स्पेसिफिक ये भी नहीं है, ये रिएक्शन दोनों ही रिजियो सिलेक्टिव नहीं है हाल फिलहाल में, तो क्योंकि कहीं भी डी लगा दो कहीं भी बीआर लगा दो, तो यहां डी एड हो गया कैटायन बना फिर बीआर आया, ठीक है, दो कायरल कार्बन बने और दोनों कायरल कार्बन की जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो बना सकते हैं, इसके फोर प्रोडक्ट्स बनेंगे, फोर स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। ऐसा ही यहां होगा, इस केस में बीआर आएगा पहले, बीआर रेडिकल याद करो मैकेनिज्म, और फिर उसके बाद में डी रेडिकल आएगा, तो यहां भी बी आर प्लेन के ऊपर से भी जुड़ सकता था नीचे से भी जुड़ सकता था, रेडिकल प्लेनर होता है, फिर डी बी प्लेन से ऊपर ऐड हो सकता है नीचे से भी ऐड हो सकता है, इसमें भी दो वही चार प्रोडक्ट बनेंगे जो कि इस रिएक्शन पर। सेम सिचुएशन अगर आप सिस की जगह ट्रांस भी ले लेते हो, ट्रांस भी यूज किया जाए, तो डी और बी आर मार्कोनिकोफ रूल से होगा, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है और ये कौन सा है इलेक्ट्रोफिलिक, सॉरी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, तो फ्री रेडिकल एडिशन में इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक एडिशन हो, यहां भी कोई मार्कोनिकोफ एंटी मार्कोनिकोफ रूल तो नहीं लग रहा है, तो डी बी आर प्लेन के ऊपर और नीचे से बन जाएगा, ये दोनों का कंपाउंड सेम ही है, ये वाला ये वाला कंपाउंड, इसमें भी वही चार प्रोडक्ट बने, चारों पॉसिबिलिटीज है, इसमें भी वही फोर प्रोडक्ट्स बनेंगे, फोर स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स, क्योंकि दो कायरल कार्बन होते हैं तो टू की पावर टू, एन की वैल्यू टू है, तो फोर स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स आते हैं, यहां भी वही चार प्रोडक्ट बनेंगे, बार बार चार बनेंगे, वही फोर स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स यहां बनेंगे, ठीक है। इस रिएक्शन की बात चल रहा है, चाहे सिस हो चाहे ट्रांस हो, फ्री रेडिकल कंडीशन में भी वही चार प्रोडक्ट बने, इसने सिस और ट्रांस का फर्क नहीं किया, इसका मतलब ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं है। अगर कोई रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है तो उससे सिस का से रिएक्शन कराओगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस कंपाउंड से रिएक्शन कराओगे तो कुछ अलग प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, इसे मिटाता हूं, आप लोग लिखो, और भी बहुत से क्वेश्चन लिए जा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, थर्ड है। अच्छा वो एक बात चल रही थी कि इस कंपाउंड पर, चलो ठीक है इस एग्जांपल में कर लेते हैं, यहां कंपाउंड है HCl और इसमें परोक्साइड डाल दिया आपने H2O2, और यहां है HBr इसमें H2O2 और यहां भी HBr, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब मार्कोनिकोफ एडिशन करेगा। चलो प्रोडक्ट बनाओ, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाह रहा था कि HBr की रिएक्शन चाहे परोक्साइड में कराओ चाहे परोक्साइड में मत कराओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इनमें ऐसा क्यों नहीं होता, देखो HBr के पास में भी दो चॉइस थी, एक तो या तो वो कैटायन बना के रिएक्शन कर ले कि एच प्लस आए और कैटायन बने, कैटायन जो कि मार्कोनिकोफ एडिशन में जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जो होता है, तो कैटायन बना के रिएक्शन कर ले या फ्री रेडिकल बना के रिएक्शन कर ले, तो HBr उन दोनों पाथ में से उस पाथ को पसंद करेगा जहां कम एनर्जी में काम चल जाए, तो HBr के लिए तो जो फ्री रेडिकल वाला पाथ है इसकी प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बने हैं, इसकी प्रेजेंस में फ्री रेडिकल वाला पाथ है वहां कम एनर्जी में काम चल जाता है इसलिए वो रिएक्शन कर लेता है। बट HCl की ये बात करें तो HCl में अगर आप रिएक्शन कराते हो तो वो केवल उसी पाथ को पसंद करेगा जिसमें कार्बोकैटायन बनके रिएक्शन हो, क्योंकि वहां उसी केस में कम एनर्जी में वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, फ्री रेडिकल वाला पाथ उसके लिए ज्यादा महंगा पड़ने वाला है एनर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसलिए तो आप समझ गए होंगे इसमें क्या होगा, नॉर्मल मार्कोनिकोफ एडिशन होगा, लेकिन इस केस में
एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, मैंने अनसिमेट्रिकल एल्केन लिया है। स्टीरियो केमिस्ट्री का ध्यान रखना, कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं उस चीज का ध्यान रखना। इस केस में आप जानते हो आपको करना है। एग्जाम्पल नंबर फोर, एक मैं अनसिमेट्रिकल एल्काइन ले लेता हूं और इस पर आप HBr की रिएक्शन कीजिए डार्क में और HBr की ही रिएक्शन कीजिए परऑक्साइड की प्रेजेंस में R2O2, प्रोडक्ट बताइए। एग्जाम्पल नंबर फाइव, ये लीजिए pH डबल बॉन्ड, यहां CH3 और इसकी रिएक्शन करवा दीजिए HBr से और HBr से। थोड़ा सा डिफरेंस ये है, इसमें तो कुछ नहीं है, डार्क में रिएक्शन करा रहे हैं और ये रिएक्शन मैंने परऑक्साइड की प्रेजेंस में कराई, इस बार डाइमिथाइल परऑक्साइड में। ठीक है, प्रोडक्ट बना दो, प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से। अब मैं करूं, आप लोगों को तो वीडियो पॉज कर लेना चाहिए था। अब मैं करता हूं, इस केस में फर्स्ट वाला जो केस है, देखो क्वेश्चंस जब अपन हम लोग करते हैं, एक तो ये बेसिक लेवल होता है, हम लोग कभी भी थ्योरी पढ़ते हैं तो पहले देखो ऑर्गेनिक की मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक में आप लोगों को पहले थ्योरी पढ़नी होगी, उसकी इंफॉर्मेशन गेन करनी होगी। बिना इंफॉर्मेशन गेन किए खुद अपने अंदर से वो जो लॉजिकल ढंग से क्वेश्चंस आप लोग नहीं कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास में होनी चाहिए। ये इंफॉर्मेशन क्या है, ये रिएक्शन से इंफॉर्मेशन होती है। रिएक्शंस अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी हुई है तो उसका बेसिक धरातल तो आप लोगों के पास में है ही नहीं। आप क्या कितनी रिएक्शन मैकेनिज्म जानते हो, हर रिएक्शन की मैकेनिज्म अलग तरह की होती है, तो लर्न तो करना ही पड़ता है। आप उस मैकेनिज्म को 4 बार 10 बार लिख के कहीं याद कर लोगे या 10 बार उस तरह से एग्जांपल्स कर लोगे तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगी, लेकिन आपने किसी रिएक्शन के बारे में कुछ पढ़ा हुआ ही नहीं है, कोई केनिज़ारो रिएक्शन में पढ़ा हुआ ही नहीं है और आपसे पूछ लिया जाए कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सी केनिज़ारो रिएक्शन है, तो जो रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी हुई नहीं है उसके बारे में आप कुछ आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी पढ़ना काफी जरूरी हो जाता है। स्टार्टिंग के जो टॉपिक हैं, कुछ बेसिक टॉपिक हैं, वो चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने के हिसाब से सही है, मैकेनिज्म पढ़ने के हिसाब से सही है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो तो वहीं से स्टार्ट होता है जब आप लोगों ने उसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है या उस जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो और ये केवल ऑर्गेनिक में नहीं है, सब जगह अप्लाई होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। ऑर्गेनिक में लर्न करने वाली चीजें ज्यादा हावी होती है, लॉजिक लगाना थोड़ा कम होता है। हालांकि एडवांस की मैं बात करूं, मेन में तो मैं बात नहीं करूंगा इस बारे में, एडवांस की मैं बात करूं तो कोशिश करते हैं वे लोग कि ऐसा क्वेश्चन बना के दिया जाए जो कि एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे सोचने में मजबूर किया जाए। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सोचो कि सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, सारे क्वेश्चन नहीं, 2-4 क्वेश्चन ज्यादा वैसे आ गए तो आपको टफ पेपर लगेगा और 2-4 क्वेश्चन कम आ गए और सिंपल फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गए तो वो आपको पेपर आसान लगेगा। ठीक है, तो इस तरह की ये जो रिएक्शंस हैं, ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट कर, मैं एक ही चीज को बार बार अलग अलग एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस ज्यादा हो। अब आप लोगों ने ऐसे प्रैक्टिस क्लास में ही अगर 5-6 बार कर रखी है और फिर आप लोगों ने डीबी भी कर रखी है तो रिविजन करना बहुत हल्का पड़ जाता है। आप लोग नोट्स जरूर बनाते हो, नोट्स नहीं बनाते हो तो देखो साइंस वाला स्टूडेंट है और नोट्स नहीं बनाता तो उसको बहुत बेकार है। कई बार स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि सर आप लोग हमें नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, या तो ये जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है इसकी जो फोटो निकलती है वो प्रोवाइड कर दो PDF के फॉर्म में, या फिर कुछ आप लोग नोट्स कुछ दे दीजिए, कुछ प्रोवाइड करा दीजिए। तो देखो बेटा, नोट्स वाली बात तो ये है कि अगर आप मेहनत करने की जो आपका खुद के अंदर से काम करने की जो टेंडेंसी है उसको छोड़ दोगे और पका पकाया मिल जाए उसको करने की कोशिश करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपको अगर आगे बढ़ना है, आपको सक्सेस मिलनी चाहिए तो दूसरे की मेहनत के ऊपर नहीं, खुद की मेहनत के ऊपर। तो खुद की मेहनत क्या है, आप अपने हाथ से नोट्स बनाए। ये चीज डिजिटलाइजेशन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, फिर भी ये जो बेसिक मेहनत है ना, बिल्कुल मतलब जो बेसिक प्लेटफॉर्म तैयार करता है वो तो ये है कि क्लास नोट्स आप जो होते हैं वो खुद अपने हाथ से लिखे हुए होने चाहिए। नोट्स आपके खुद के होंगे तब आप लोगों को रिवीजन जो करना होगा ना
वो और आसान हो जाएगा। नोट्स नहीं बनाया, बस आपने लेक्चर्स पढ़ लिए, फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो डाउनलोडेड लेक्चर को थोड़ा हाई स्पीड पे चलाकर फिर पढ़ लिया, फिर कभी जरूरत पड़ी तो उनको और हाई स्पीड पे चला के पढ़ लिया, तो उससे कभी मेहनत नहीं हो पाती, उससे मतलब इतनी अच्छी सक्सेस नहीं मिल पाएगी। हाँ ठीक है, आपने नोट्स बनाया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए, नोट्स बनाए फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए, तो आप लोग काफी अच्छा लेवल अचीव कर सकते हो। जो आपकी कैपेसिटी है, वास्तविक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी तक आप पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत लेक्चर हो गए आप लोगों के लिए। अब ये वाला लेक्चर सुन लो आप, HCl में तो नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही करना था, तो कैटायन बना के रिएक्शन करेगा, H यहां आएगा, Cl यहां आएगा, नॉर्मल कैटायन बन के रिएक्शन हुई है, Cl यहां आ गया। परऑक्साइड की विदेंस में H यहां आएगा, Br यहां आएगा, क्योंकि एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी, ये यहां भी आ रहा है। दो कैरल कार्बन बने, चार फॉर्म्स बनी है, दो सिस के और दो ट्रांस के। सिस कैसे, जब दोनों एच, इसलिए दो एच है ना, एक एच यहाँ एक एच यहाँ, दोनों एच प्लेन से ऊपर है वो वाला सिस, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उसका मिरर इमेज भी बनेगा। एक ट्रांस होगा जिसमें एच प्लेन से ऊपर है, यहाँ का एच प्लेन से नीचे है, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव है, तो उसका भी मिरर इमेज एग्जिस्ट तो करेगा ही करेगा, बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इस केस में, तो नॉर्मल एडिशन होगा, मार्कोनिक ऑफ एडिशन, क्योंकि यहां कैटायन बन के रिएक्शन होगी। फर्स्ट केस में H+ का एडिशन यहां होगा, पॉजिटिव चार्ज जेड बनेगा और उस पॉजिटिव चार्ज पर Br जुड़ जाएगा, ये प्रोडक्ट इसका होना चाहिए। यहां मैंने 2 मोल्स डाले हैं, एक्सिस में डाले हैं, तो HBr अगर डार्क में रिएक्शन करोगे तो नॉर्मल मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, और H यहां, Br यहां, फिर डबल बॉन्ड टूटेगा, फिर H यहां, Br यहां, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा इसमें परऑक्साइड के विलेंस में, और दोनों Br में इस अपोजिट साइड में जोड़ देता हूं, दोनों बने जेमिनल डाइहैलाइड है, बट ये 1-1 है, ये 2-2 है। इस केस में देखो, इस केस में पहले H+ जुड़ेगा, तो H+ यहां आएगा, कैटायन यहां बनेगा, क्योंकि pH के पास कैटायन रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल होता है, रेजोनेंस के कारण ज्यादा स्टेबल होता है, तो फिर Br भी यहीं लगा दीजिए, यहां आ गया प्लस एंड माइनस, मतलब क्योंकि कायरल कार्बन बना, एक बना, तो दोनों पॉसिबिलिटी मैंने उसके लिए लिए। इस केस में परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है, तो AFR रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। फ्री रेडिकल में अभी मैकेनिज्म बताया था कुछ ही देर पहले कि Br रेडिकल पहले जुड़ता है, इसका प्रोपगेशन का फर्स्ट स्टेप देखो, Br रेडिकल आके जुड़ेगा, तो इस जगह वो जुड़ना चाहिए, Br रेडिकल यहां जुड़ना चाहिए, जिससे रेडिकल पीएच के पास बने। अब पीएच के पास रेडिकल बन रहा है, तो फिर वो एच सॉल्व कर लेगा, ये बनेगा यहाँ एक कैरल कार्बन है, प्लस और माइनस दोनों बनेंगे, इस तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। और एक एग्जांपल देता हूं, उसे लिख लीजिए आप लोग, ये आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसमें एडजस्ट करता हूं एक मिनट। ठीक है, अब लिख लीजिए। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेंगे, ये एग्जांपल है, इस कंपाउंड में आपने HBr की रिएक्शन किया डार्क में, और यहां HBr की रिएक्शन किया लाइट में, और ये डार्क में नॉर्मल HBr लिखा हुआ है, तो आप समझ लेना कि एडिशन इस तरह से किया गया कि डार्क वाली कंडीशन ही है। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेंगे, रिअरेंजमेंट होता नहीं है, फ्री रेडिकल रिएक्शन में बस आंसर मिल गया इस अकॉर्डिंग टू। और यहां एक और कंपाउंड लेता हूं मैं, कि यहां डबल बॉन्ड है, यहां पीएच है, और यहां मिथाइल है ना, और इसकी रिएक्शन किया आपने HCl से HBr से, और यहां HBr परऑक्साइड की प्रेजेंस में, परऑक्साइड में H2O2 का यूज किया, क्या प्रोडक्ट बनेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए बताइएगा कि रिएजमेंट होगा कि नहीं होगा, आपको वैसे बता दिया जाए। और बस मेन कॉन्सेप्ट तो यही है, वो एग्जाम्पल तो कैसे भी बनाते रहो, इसमें आप इजी एग्जाम्पल से बनते, इसमें बहुत कोई टफ एग्जाम्पल्स बनते नहीं, इसको लिखो आप, इसके आंसर लिखिए, फिर मैं कुछ ऐसा बेसिक एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को, कुछ इस चैप्टर का कुछ समरी टाइप का, समरी तो नहीं कहूंगा मैं उसे, बट रोड मैप टाइप के क्वेश्चन उसमें करवा सकते हैं।
ठीक है करते हैं इसे। देखिए ये वाला कंपाउंड है, डार्क में रिएक्शन किया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसमें होगी। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में एच यहां आना चाहिए, बीआर यहां आना चाहिए, लेकिन रिअरेंजमेंट भी तो इसमें होता है, तो एच प्लस यहां जुड़ेगा के टाइम बनेगा। ऐसा एग्जांपल मैं 10 बार करवा चुका हूं ये वाला एग्जांपल। इस केस में क्या होगा, एच यहां आएगा, नहीं बीआर यहां आएगा रेडिकल के फॉर्म में, फिर एच रेडिकल यहां जुड़ेगा बिना कोई रिअरेंजमेंट। ठीक है, ये प्रोडक्ट बने, है ना। इस केस में H ये मात्रम का कंडीशन है नॉर्मल कैटायनम के, तो H प्लस यहां आएगा कैटायन यहां बनेगा। ठीक है, H प्लस यहां आएगा कैटायन यहां बनेगा फर्स्ट स्टेप में। यहां H प्लस आ गया, कैटायन यहां बना, और इस कैटायन से ज्यादा स्टेबल कैटायन ये है, क्योंकि यहां जब H शिफ्ट होकर पहुंचेगा, H यहां से यहां पहुंचेगा, तो कैटायन इस जगह का pH के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज है, H shift होगा, H shift होने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाऊंगा इसका कि H shift होकर यहाँ पहुंचा तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, मैं BR यहाँ लगा रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा मेजर प्रोडक्ट इसमें ये होगा। जबकि इस केस में बात करें तो BR रेडिकल यहाँ कॉर्बन पर जुड़ेगा, जिससे टर्शियरी कैटायन बने, रेडिकल बने, रेडिकल में रिएजेंट होता नहीं है, तो ऐसा कैसा प्रोडक्ट बना दीजिएगा। यहाँ पर pH है और यहाँ पर BR है, कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटीज में बन सकती है। ठीक है, वैसे तो ORM2 की थ्योरी कंप्लीट है। आप कई बार स्टूडेंटों से भी पूछ रहे हैं कि आप लोग हैं ना, मतलब मेरा ऑर्गेनिक का क्वेश्चंस ज्यादा क्यों नहीं कराते। हालांकि देखो ऑर्गेनिक में अलग से क्वेश्चंस देने की जरूरत नहीं होती, ऑर्गेनिक में थ्योरी पढ़ाने के बाद में एग्जाम्पल्स कराने की जरूरत ज्यादा होती है, तो एग्जाम्पल्स तो मैंने सफिशियंट लिए हैं, इस तरह के एग्जाम्पल्स लिए हैं जो कि आप लोगों को मतलब हर तरह से घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कराने की बात है तो क्वेश्चंस को मैं करा सकता हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवा सकता हूँ, लेकिन उसका तो मैं सोच रहा हूँ कि अलग से आप लोगों को वीडियो बना के दिए जाए। फिर भी यहाँ रोड मैप टाइप के क्वेश्चन लूंगा, हालांकि स्टार्टिंग में रोड मैप के क्वेश्चन इतने सारे बनते नहीं है, ORM4 तक जाने दीजिए, रोड मैप के क्वेश्चन और मैं बनवाऊंगा। रोड मैप का मतलब होता है कि ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, और इनको आइडेंटिफाई कर रहा होता है। पर फिर भी अब ORM2 के कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस मैं दूंगा यहां पर, आप लोग यहां लिखिए, इसे मिटा दो। ये फ्री रेडिकल एडिशन, अच्छा अच्छा कुछ और एग्जांपल्स भी दिए, चलो कुछ और एग्जांपल्स हैं फ्री रेडिकल स्टैटिक रिएक्शन। दिस इज वन पॉइंट में फ्री रेडिकल, रेडिकल रेडिकल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स और हैं, अदर एग्जांपल्स कर लेते हैं, अदर एग्जांपल्स ऑफ AFR फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के। देखिए अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर आपने HBr की रिएक्शन की परऑक्साइड में, वो तो फ्री रेडिकल है ही, साथ में अगर आपने CCl4 किया, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन भी कर दी है परऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्लोरोफॉर्म का ये CCl3- यहां जुड़ता है, इस जगह CCl3- जुड़ेगा और यहां H आ गया, तो आपको लगेगा ये एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन है, बिल्कुल एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन है, पर ये AFR रिएक्शन ही होती है फ्री रेडिकल पाथ से। ऐसे ही अगर आपने रिएक्शन कराया है CCl4 का, तो CCl4 में भी बिल्कुल ऐसी ही रिएक्शन होती है, एक Cl यहां आएगा, ये CCl3 यहां जुड़ जाता है, और ये भी AFR रिएक्शन ही होती है। अगर और रिएक्शन कराए इसमें, तो यहां रिएक्शन करा रहा हूं मैं BrCCl3 की, तो यहाँ भी BrCCl3 में Br, तो यहाँ जुड़ेगा CCl3- यहाँ जुड़ेगा, लेकिन ये फ्री रेडिकल पाथ से रिएक्शन होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी रिएक्शंस होती है फ्री रेडिकल, लेकिन जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस सिलेबस में, वो HBr की रिएक्शन ही पूछी जाती है। इन परऑक्साइड की प्रेजेंस में, परऑक्साइड कितना भूल गया मैं, परऑक्साइड की प्रेजेंस में, ये भी परऑक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो अभी तक तो काफी कुछ हो गया है, एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करते हैं इसके बाद में, इसको तो लिख लो, आप इसको लिख लीजिए, मैं मिटा देता हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे।
हाँ कंपाउंड है बेंजीन, है ना? क्वेश्चन कर बेंजीन की रिएक्शन साथ के साथ करते जाना। बेंजीन की रिएक्शन की गई सी एच, नहीं इसे करूंगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ होल्ड ट्वाइस ओ इन प्रेजेंस ऑफ ए एल सी एल थ्री, क्या कंपाउंड बना ए, ठीक है। उस ए कंपाउंड की रिएक्शन आपने की, ये वही रिएक्शन ले रहा हूं जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है अभी, जो रिएक्शन नहीं पढ़ी हुई है उसका कॉन्सेप्ट आएगा जो मैं बता दूं, है ना। इस ए कंपाउंड की रिएक्शन फिर आपने की है जिंक अमलगम प्लस HCl से, पता नहीं क्या होता है रिएक्शन, पढ़ा तो नहीं रखी है, मेन रिएक्शन है जगह पढ़ी है डिटेल में और पढ़नी है ये बनना। फिर इस कंपाउंड की रिएक्शन आपने NBS से कर दी, NBS से कर दी तो कंपाउंड C बना, सनलाइट फ्रेंड्स बता दो बहुत अच्छी बात है, सनलाइट फ्रेंड्स है C बना। अब कंपाउंड C की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से की है हाई टेम्परेचर पर। एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, ये वाली रिएक्शन अभी तक आपको नहीं पढ़ाई गई है, ORM4 की रिएक्शन, पर इसको मैं बता दूंगा। ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन की रिएक्शन है, किसी कंपाउंड में से HX का मॉलिक्यूल निकालना हो तो एल्कोहलिक KOH डाल के हीट करो, HX का मॉलिक्यूल निकलेगा पड़ोस में से और डबल बॉन्ड बनेगा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। यहां तक करना हो आगे बढ़ जाऊंगा, है ना, ये वाला स्टेप मैं बता दूंगा, ये आप मुझ पे छोड़ दो। कंपाउंड डी वन, इस कंपाउंड डी की रिएक्शन की गई है, अब ये ही निकल पाओगे तो आगे कैसे करो, तो सी तक तो करो, मैं डी से आगे लिख तो दूं एक बार सब सोच के, इतनी देर में आप सी तक कर दो, है ना। फिर इसकी रिएक्शन मैंने इससे की, इसकी रिएक्शन कुछ तो करनी पड़ेगी, एच टू से कर दी एसिडिक मीडियम में, और इसकी रिएक्शन मैंने कहा थी B2H6 से फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ये D से तो E बना दिया और ये D से H बना दिया, ठीक है। और मैं लिखता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ, फिर बताऊँ। अब एल्कोहल की कोई रिएक्शन तो पढ़ाई भी नहीं है, इसकी रिएक्शन फिर किया PCl5 से, इनडायरेक्टली कहीं मैंने पढ़ाया था, ये एक बॉक्स में बना के रिएक्शन लिखवाई थी पढ़ी हुई थी, और इस कंपाउंड की रिएक्शन भी PCl5 से की गई, E से F बनी गया, ये G और ये H बन गया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और आप करो इतने देर में सीख रख दो, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से करा दी इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, इसकी भी रिएक्शन मैग्नीशियम से करा दी इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। अब इससे तो एक बहुत ही जाना पहचाना कंपाउंड मिला, एच हो गया तो आई होगा ये जी, है ना, इससे जाना पहचाना कंपाउंड मिला। इस कंपाउंड की रिएक्शन की है हम लोगों ने CO2 से फर्स्ट स्टेप में, और फिर इसमें डाल दिया गया है H2O IJK1, और इसमें भी कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इस कंपाउंड में मैंने CH डबल बॉन्ड O डाल दिया इन फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में H2O एसिडिक मीडियम में डाल दिया, के हो गया एल होगा, ठीक है, बना दो इनको, बना दो क्या बनता है, अम्मी तो देखें आपको सी तक तो बनाई क्या बना, चलो मैं करता हूँ सी तक तो। ये है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या करता है, ये कीटोन बनेगा। क्या फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में बार बार एसाइलेशन हो सकता है, क्या फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में तो पॉली एल्काइलेशन हो सकता है, क्या फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में भी ऐसा हो सकता है, तो आप लोगों को याद आ गया होगा
नहीं हो सकता क्योंकि फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आगे होता है जिस पर वापस रिएक्शन नहीं हो सकती है। तो ये बनेगा नेक्स्ट। ये रिएक्शन जानी पहचानी क्लीमेंशंस रिडक्शन है। क्लीमेंशंस रिडक्शन की कौन है? क्लीमेंशंस क्लीमेंशंस रिडक्शन स्पेलिंग देखिए ना क्या थी मेरे से स्पेलिंग की मिस्टेक होती है कोई नहीं। क्लीमेंशंस रिडक्शन होगा। क्लीमेंशंस रिडक्शन से बन गया इथाइल बेंजीन। NBS की रिएक्शन N ब्रोमो सक्सिनेमाइड क्या काम करता है? एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन हो गया मोनोब्रोमिनेशन का काम करता है। ये वाला स्टेप मैं बता रहा था सुनना। ये एक एलिमिनेशन स्टेप है। यहां लिखता हूं फिर दिखेगा। एलिमिनेशन स्टेप एलिमिनेशन का मतलब होता है तो ग्रुप बाहर निकलेंगे एडजेसेंट पोजीशन से और इस ग्रुप इस अल्कोहलिक OH प्रेजेंस में हीट करने से डीहाइड्रोहैलोजनेशन होता है मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन बाहर निकलता है। एक हाइड्रोजन यहां से और हैलोजन यहां से निकलता है और यहां डबल बॉन्ड बनेगा। ये डी कंपाउंड स्टाइरीन है। इस स्टाइरीन पर वाटर का एडिशन होगा मार्कोनिक ऑफ एडिशन और H+ पहले यहां कार्बन पे जुड़ेगा कैटायन यहां बीच में बनेगा उसको कैटायन पर H2 का मॉलिक्यूल आएगा तो कंपाउंड E तो ये होना चाहिए कंपाउंड E ये होना चाहिए सही है। ये कंपाउंड E है इसलिए जरूरत है। PCl5 की रिएक्शन मैंने पढ़ाई हुई जिसमें SN टू TH में SN टू TH में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में मैंने PCl5 की रिएक्शन पढ़ाई थी और वहीं बॉक्स में लिखवाया था PCl5 के अदर रिएक्शंस में तो वहां अल्कोहल भी था। अल्कोहल में क्या हुआ था PCl5 का एक Cl को आकर इस कार्बन पे बॉन्ड बनाएगा एक Cl इस हाइड्रोजन पे बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन POCl3 के फॉर्म में लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा कुछ इस तरह का यहां से होगा ठीक है। अब मैग्नीशियम तो जाना पहचाना कंपाउंड बनाएगा लिग्नालिजिन दिए रहा ये रहा अभी यहां लगा देता हूं MgCl दिखाई दे रहा है। इसकी रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन तो लिग्नालिजिन की रिएक्शन CO2 से कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है तो यहां बन गया ये कार्बोक्सिलिक एसिड K यहां कर देता हूं ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना है यहां इस तरह का अरे इस तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड इस केस में इस तरह भी चले तो ये कौन सी रिएक्शन है वाटर का इनडायरेक्टली एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर है। H यहां आना चाहिए Br सॉरी ब्रोमीन H यहां जुड़ेगा ब्रोमीन उस कार्बन पे आएगा जहां क्राउडिंग कम है तो हाइड्रोपोजिशन हुआ हाइड्रोपोजिशन में बोरोन इस गया आगे जहां बोरोन होगा H2O2 से की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो OH यहां है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ वाटर है। नेक्स्ट PCl5 की तो रिएक्शन ऑफ सेम हो जाएगी तो PCl5 में यहां आएगा Cl OH को रिप्लेस करके फिर OH को रिप्लेस करके आएगा मैग्नीशियम यहां आ गया मैग्नीशियम फिर क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन आपने वेट्स किए तो ये कार्बन इस जगह जाके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा क्योंकि हम नेगेटिव चार्ज है वरन वन की रिएक्शन ही है तो ये न्यूक्लियोफाइल जाकर यहां रिएक्शन करे O- बने इस कार्बन का बॉन्ड इस कार्बन से बनेगा दो कार्बन तो पहले से ही साइड पर लगे हुए एक और कार्बन आ जाएगा तो कंपाउंड एल ये होगा इस जगह कंपाउंड एल बनेगा मतलब ये होगा सी एच टू डबल बॉन्ड ओ था यहाँ एल्कोहल आ गया इस तरह का एल्कोहल बन जाएगा। रिएक्शंस को और भी आगे जा सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी आपको पढ़ाया नहीं है ऑक्सीडेशन रिडक्शन ORN3 और ORN2 आने तो उसके बाद में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे जिससे कि आप लोगों के रिएक्शंस भी रिवाइज हो जाएंगे ठीक है। चलो अभी तक तो इतना ही करेंगे ओके।